हरिद्वार, जिसका अर्थ होता है हरि का द्वार। हरिद्वार भारत के 7 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। हरिद्वार भारत के उत्तराखंड में आता है। कहा जाता है जब धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद पवित्र अमृत कलश को लेकर जा रहे थे तो उसमें से अमृत की कुछ बूंदें भूल से यहाँ पर गिर गई थी। जिस जगह पर ये अमृत की बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड घाट के नाम से जाना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर आप ऑटो या ई रिक्शा से आ सकते हो। तो दोस्तों, अपने आज के इस व्लॉग में मैं आपको हरिद्वार हर की पौड़ी लेकर जाने वाला हूँ। हर की पौड़ी को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ की फेमस गंगा आरती आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ के स्ट्रीट फूड को भी हम ट्राई करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस व्लॉग को। तो अभी जो है दोस्तों, मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो हरिद्वार रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से मैं ई रिक्शा या ऑटो वगैरह जो है ना लेकर जाने वाला हूँ हर की पौड़ी तक। तो अभी जो है दोस्तों, हमने ई रिक्शा ले लिया स्टेशन के बाहर से। स्टेशन के अंदर भी आपको ई रिक्शा मिल जाएगा, लेकिन वो आपके फेयर जो है ज़्यादा लेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकले और महज 20 रुपये देकर जो है आप हर की पौड़ी तक जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम अभी पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी। वैसे तो दोस्तों हर की पौड़ी पर ना काफी सारे घाट बनाए गए हैं, लेकिन मेरे ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ना वो है शिव घाट। यहाँ पहुंचने के बाद दोस्तों मैंने सबसे पहले जो है ना अपने सर पे ये भोले शंकर का त्रिशूल जो है ना वो बना लिया है। तो अभी आपको शिव घाट के दर्शन कराते हैं और यहाँ के दृश्य को दिखाते हैं, उसके बाद आपको जो है आगे के घाटों पर लेकर चलते हैं। ये है हर की पौड़ी का शिव घाट, और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी श्रद्धालु जो है ना आकर गंगा स्नान कर रहे हैं। तो काफ़ी रश है, अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और रश जो है ना काफ़ी ज़्यादा है इस समय पे शिव घाट पे। तो ये शिव घाट का दृश्य है। यहाँ पर आपको ये गंगा जल के लिए केनिया जो है वो मिल जाएगी, प्रसाद वगैरह जो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर आप फूल वगैरह जो है गंगा जी को अर्पित करना चाहे तो वो ले सकते हैं यहाँ से। बाकी लोग जो है देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे आए हुए हैं यहाँ पर और सभी के सभी जो है ना यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। तो गंगा नदी भी आप देख सकते हो कितनी स्वच्छ, कितनी साफ सुथरी जो है इस समय नज़र आ रही है हमें। तो फिलहाल दोस्तों शिव घाट के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं अभी भागीरथी सेतु पर, और अभी जो है ना मैं आपको माँ गंगे के दर्शन कराता हूँ भागीरथी सेतु से। ये देखिए दोस्तों, ये दृश्य है अभी भागीरथी सेतु के ऊपर से, और अगर आप इस साइड देखेंगे ना तो इधर आप देख सकते हैं सामने की ओर है नाई घाट, और वहाँ पर भी अभी काफ़ी श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं। इस ओर देखेंगे तो इस ओर भी जो है ना काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं स्नान करने के लिए, और रश आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रश है। दूर दूर तक अगर आप देख पा रहे होंगे ना तो आप देख रहे होंगे रश कितना ज़्यादा है। तो भाई ये है हरिद्वार, ये है हर की पौड़ी, और यहाँ पर लोग करने आते हैं गंगा स्नान। तो फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी संजय पुल के ऊपर, और संजय पुल से आपको यहाँ के दृश्य जो है ना वो दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, संजय पुल से घंटा घाट का दृश्य। ये जो सामने आप घाट देख रहे हैं ना, ये है घंटा घाट, और सबसे ज़्यादा भीड़ जो है ना इस समय घंटा घाट पर ही है। नीचे की ओर आप देख सकते हैं मंदिर बनाए गए हैं, और श्रद्धालु जो आप देख सकते हो अभी से ही माँ गंगा की आरती के लिए जो है बैठ चुके हैं। तो अगर आप माँ गंगा की आरती देखना चाहते हो ना आगे से, तो आपको 4-5 बजे ही ना वहाँ सीढ़ियों पे बैठ जाना होगा। उस जगह से जो है आपको माँ गंगा की खूबसूरत सी आरती जो है वो देखने को मिल जाएगी। संजय पुल से आप जैसे ही आगे की ओर आएंगे ना थोड़ी, आपको ये श्री गंगा मंदिर मिल जाएगा। तो आपको अभी दर्शन कराते हैं श्री गंगा मंदिर के। तो वो देखिए दोस्तों, ये है श्री गंगा मंदिर, और यहाँ पर
वहाँ काली का मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर है श्री गंगा मंदिर, और यहाँ पर है भैरवनाथ मंदिर, इस तरफ है बजरंगबली का मंदिर, और इस तरफ है महर्षि वाल्मीकि मंदिर। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी शॉप्स जो है ना आपको यहाँ प्रसाद की मिल जाएगी। बाकी ये सीधा रास्ता अगर आप जाएंगे तो ऊपर मार्केट की तरफ चले जाएंगे, तो अभी हम इधर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अभी संजय पुल से नीचे घंटा घाट की तरफ। तो चलिए अभी चलते हैं घंटा घाट की तरफ। फिलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी घंटा घाट पर, और अभी जो है ना आपको घंटा घाट के दृश्य दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत दृश्य है यहाँ के, काफ़ी सारे लोग जो है ना यहाँ पर गंगा आरती के लिए बैठे हुए हैं देखने के लिए। अगर आप गंगा आरती देखना चाहते हैं ना करीब से, तो घंटा घाट से जो है ना आपको गंगा आरती बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए दोस्तों घंटा घाट के दृश्य है, घंटा घाट से ना आपको ये काफ़ी सारे मंदिर वगैरह जो है देखने को मिल जाएंगे, और इसी जगह पर जो है ना गंगा आरती होती है शाम के 7 बजे, और अभी से ही आप श्रद्धालु जो है देख सकते हो कि बैठ चुके हैं गंगा आरती देखने के लिए। और आगे की ओर आप देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो है वो स्नान भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का दृश्य है अभी घंटा घाट का, और रश तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब रश तो हद ही रश है आज। कहीं भी चले जाओ आपको श्रद्धालु जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे, जो कि आए हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए। सामने आप देखिए कितने श्रद्धालु जो है अभी गंगा स्नान कर रहे हैं। देखा दोस्तों आपने हर की पौड़ी के दृश्य कितने खूबसूरत है, कितने श्रद्धालु जो है ना यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। तो अभी हम भी कोई जगह देखते हैं जहाँ से हम आपको गंगा आरती जो है ना वो अच्छे से दिखा सके। तो वो देखिए दोस्तों माँ गंगा की आरती की शुरुआत जो है ना वो हो चुकी है। दोस्तों आपने हर की पौड़ी पर गंगा आरती का दृश्य जो है वो कितना खूबसूरत था, ये दृश्य है ना हमारे फोन में ही नहीं हमारे दिलों में भी कैद हो चुका है। आपको कैसा लगा गंगा आरती का दृश्य कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ना गंगा आरती खत्म हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं हर की पौड़ी के अपोजिट साइड एक मार्केट है, तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी जो है हम जा रहे हैं हर की पौड़ी की मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, और वहाँ पर जाने का रास्ता जो है ना वो बिल्कुल सिंपल सा, आपको संजय पुल पे आना है। संजय पुल पे आपको ये मंदिर वगैरह जो है वो दिखेंगे, तो यहाँ से जो है आपको सीधे चले जाना है आगे की ओर। और अभी जो है आरती ख़त्म हुई है, तो रश तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा है। आपको इस मार्केट में ना होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो अगर आप होटल्स वगैरह लेना चाहे तो वो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और भीड़ जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी आप मार्केट के अंदर एंट्री करोगे ना आपको ये शॉप्स वगैरह जो है ना वो मिल जाएगी। आप सामने देख सकते हैं पंजाबी रेस्टोरेंट है, और इस तरफ आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको बच्चों के कपड़े वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। और इधर जो है आप बैग्स वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, बैंगल्स वगैरह चूड़ियाँ वगैरह जो आपको इस शॉप में मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगी कुल्लड़ वाली चाय, अगर आप कुल्लड़ वाली चाय के शौकीन हैं तो यहाँ से आप जो है कुल्लड़ वाली चाय ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पूजा की सामग्री जो है वो मिल जाएगी, पूजा के लिए आपको बर्तन वगैरह प्रसाद वगैरह जो है इस शॉप से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ढोकला मिल रहा है, तो अभी ढोकला लेते हैं और टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको ढोकले का टेस्ट जो है ना वो किस तरह का है। हाँ,
तो ढोकला जो है हमने ले लिया है, टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको टेस्ट जो है वो किस तरह का है। भाई ढोकला जो है ना काफ़ी फ्रेश है, टेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया है, और सबसे अच्छी बात इसका प्राइस जो है ना वो महज 30 रुपये है। ये रश काफ़ी है तो जल्दी से ढोकले को कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर ढोकले को कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों ढोकला जो है हमने कर लिया कंप्लीट, ढोकले का टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया था। तो अब जो है ना दोस्तों वक्त आ चला है इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का। होप कि आपने ब्लॉग जो है ना वो काफ़ी इंजॉय किया होगा और वीडियो जो है ना आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए अब आज के अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ।